हेलो एवरीवन, भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी फ्रेंड्स आई थी मेरे घर पे, तो मैंने बनाया है आलू का कचालू और माइक्रोनी। और मैं हर चीज़ मतलब थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बनाने का आइडिया भी नहीं है, तो थोड़ा सा होपलेस हो रही थी। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था आज बहुत सारा काम है। और डुकू को मुझे टिफ़िन में मटर की कचौड़ी भी देनी थी, तो जल्दबाजी में मैं उसका वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। और कचौड़ी बहुत अच्छी बनी थी, वो खस्ता कचौड़ी लेके गया था टिफ़िन में। और ये आलू भी मैंने तभी बॉईल करके रखे थे, और तभी मैंने मैक्रोनी भी बॉईल करके रख दी थी। तो ये अब हम आलू को इस तरीके से गोल गोल शेप में कट कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कचालू जब बनते हैं ना, तो आलू को गोल ही शेप में काटा जाता है। तो वैसे ही मेरी भी हैबिट पड़ी हुई है काटने की। और ये ले लिए धनिया, करीब आधा किलो धनिया है 2 किलो आलू के लिए। आप धनिया की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा होगी ना धनिया, उतनी ही टेस्ट मतलब अच्छा आएगा कचालू का। हरी मिर्च बहुत तीखा है, तो मैंने 5 से 6 ही लिया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है, तो आप हरी मिर्च की भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हरी धनिया को भी ना हम इसी मिक्सी जार में काट लेंगे थोड़ी सी, बाकी पूरी धनिया में एक प्लेट में काट दूँगी। रफली चॉप किया है, क्योंकि हमें पीसना है। तो इसी तरीके से मैंने पूरी धनिया को कट कर लिया है। और अब हम इसे पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाल दिया ना, क्योंकि धनिया भी हल्की सी ड्राई होती है, तो थोड़ा पानी डाल देंगे तो जल्दी पीस जाएगी। अब इसी तरीके से हमें पूरी धनिया जितना भी हमने काट के रखी थी ना, सबको हमें पीस लेना है। ये एक छोटे बाउल से भर के हमारे पास बैटर रेडी हो गया है 2 किलो आलू के लिए। धनिया थोड़ी सी कम थी, आप धनिया की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं। इधर मैंने ले लिए थोड़ी सी इमली, करीब 100 ग्राम के आसपास इमली है। इसमें मैंने डाल दिया गर्म पानी, जिससे कि जल्दी से फूल जाए। तो जब तक मैं बाकी के काम करूँगी ना, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगी। और इसी इमली की चटनी में डालने के लिए मैंने मसाला ये रेडी कर लिया है। तो इसमें मैंने नमक लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया। ये सारे मसाले डाल के अब मैं इसमें पानी डाल के मिक्स करके इसे रख दे रही हूँ एक साइड में। जब कई सारे काम होते हैं ना, तो लगता है जो जो काम करके एक साइड में कर दो ना, उतना ही आसानी होगी बनाने में। तो मैंने इन मसालों को भी पानी डाल के मिक्स करके एक साइड में अब मैं रख दूँगी। जब मैं चटनी बनाऊँगी ना, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब मैं लूँगी थोड़ा सा मैदा, और इस मैदे का भी मुझे खस्ते वका डो लगाना है, क्योंकि मैंने सोचा कचालू के साथ थोड़ी सी खस्ता मठरी बना ली जाएगी। तो ये मैं लास्ट पे छोड़ देती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊँगी, नहीं मिलेगा तो मैं इस आटे को ऐसे ही रख दूँगी, बाद में बना लूँगी। तो मैंने खस्ता कर लिया है, मैदे में मैंने अजवाइन नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है। और अब हम इसे कर लेंगे खस्ता। खस्ता करने के लिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे पहले अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद ऐसे मुठियाँ बना के हम देख लेते हैं कभी भी कि खस्ता अगर हो तो। अगर मुठियाँ अच्छे से बन रही हैं, तो समझ लीजिए खस्ता हमारा परफेक्ट हुआ है। और इसका हमें टाइट डो ही लगाना है, बहुत सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, नहीं तो खस्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो कोशिश करिए कि डो जितने से ज़्यादा टाइट लग सके, और साथ ही साथ थोड़ा सा किचन समेटते रहो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो बहुत फैल जाता है बाद में। और करीब ये सब करने मुझे आधा घंटा हो गया है, तो ये इमली भी अच्छे से मैसी हो गई है। तो इसे अब हम चम्मच की हेल्प से स्ट्रेनर में इस तरीके से छान लेंगे, जिससे कि जो इसका कूड़े वाला पार्ट है ना, वो अलग हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के जो भी थोड़ी बहुत खटास इसमें बची होगी ना, वो भी निकल के आ जाएगी। तो इसे अब हमें अच्छे से इस तरीके से छान लेना है। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें थोड़ा सा मैंने करीब 2 टेबल स्पून के आसपास ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल है। और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और उसके बाद जो कटोरी में मसाले मिक्स करके रखे थे ना, वो भी डाल दिए। मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो वीडियो शूट ही नहीं हो पाया। और जो ये इमली का पानी है ना, हमको ये डाल देना है। और करीब 150 ग्राम के आसपास गुड़ ली है मैंने, ये गुड़ डाल देनी है इसमें। गुड़ में बनाइए, बहुत अच्छी बनती है, उसकी थिकनेस भी अच्छी आती है, और आप खाएंगे तो नुकसान भी नहीं करेगी। इधर हमने ले लिए हैं ये आलू, जब तक कि हमारी वो चटनी पकेगी, क्योंकि मीठी चटनी को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। जब वो धीमी धीमी आंच पे पकती है ना देर तक, तभी काफ़ी अच्छी बनती है। और ये जो धनिया का हमने बैटर पीस के रखा था ना, ये डाल दिया है।
और ये जो मसाला है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये धनिया और जीरे और थोड़ी सी लाल मिर्च सबको भून के पीस के मैं ये मसाला रखती हूँ हमेशा। तो ये मैंने अभी आज ही मैंने इसको भून के पीसा है। और ये मैंने डाल दिया इसमें अमचूर, अगर आपके पास घर की खटाई हो तो घर की खटाई पीस के डालिए आप, इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और या फिर इसमें आप नींबू डाल दीजिए, और मैंने इसमें खटाई डाली है करीब 5-5 रुपए वाले 2 पैकेट डाल दिए थे तो अच्छा खट्टा हो गया था। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, बस ज़्यादा क्वांटिटी में जब बनाइए ना चीज़ें तो किसी से चेक करवा लीजिए कि चीज़ें परफेक्ट है कि नहीं, नहीं तो अंदाज़ा नहीं आ पाता है, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें बिना मेजरमेंट के बनाई हैं। सब कुछ मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और इधर चटनी में बॉयल आने लगा है, चटनी पकने लगी है अच्छे से। इधर कचालू भी हमारा रेडी हो गया है। अब एक चीज़ कम से कम बन के रेडी हो गई ना तो कुछ तसल्ली हो गई है। और इतनी बड़ी कढ़ाई में मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ इसमें मैक्रोनी। तो मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, अब इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। अब जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट क्या मतलब, मैंने ऐसे चॉपर में उसे चॉप कर लिया है। तो ये डाल दिया हमने सबसे पहले इसमें लहसुन। कभी भी जब आप मैक्रोनी बनाइए ना तो सबसे पहले उसमें लहसुन डाल दीजिए, अदरक तुरंत मत डालिए क्योंकि अदरक क्या होता है जलने लगती है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और मिर्च, इसे भी हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है, तो मैंने इसमें अदरक भी डाल दी थी पर वो सूट करना ही भूल गई, क्योंकि जब ज़्यादा हौज पौज होता है ना तो पता ही नहीं चलता कब वीडियो ऑन हुआ है कब ऑफ हुआ है। और इन सब काम के साथ मैंने वीडियो भी शूट किया, टाइम बहुत कम था। अब इसमें डाला मैंने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ गाजर, इन दोनों को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि इसका जो पानी होता है ना वो ना ख़त्म हो जाए, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। और इसमें मैंने करीब 4 टमाटर थे उनको पीस लिया था, इनको भी डाल दिया मैंने इसी में। और हमें इसे अब तब तक भूनना है जब तक अच्छे से सारी वेजिटेबल्स ड्राई ना हो जाए। इन सभी को भूनने में मुझे करीब 10 से 15 मिनट का समय लग गया था। और मैंने अब इसमें डाल दिया है सोया सॉस और थोड़ा सा मैंने इसमें सेजवान डाल दिया है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है और थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाता है। और ये मैंने रखी थी मैक्रोनी पहले से उबाल के, जब ठंडी होकर हल्की सी टाइट हो जाती है ना तो काफ़ी अच्छी खिली खिली बनती है, तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तो जब मैं बना रही थी ना तो यही सोच रही थी कि कलर तो अच्छा आया है, पता नहीं खाने में कैसी बनी होगी, पर काफ़ी अच्छी बनी थी। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और अब ये हमारी मैक्रोनी बनके रेडी हो गई है और मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी की जो बात की सर्विंग वाली वीडियोज़ थी ना वो सब मैं नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल वीडियो बनाने का या वीडियो शूट करने का। लेकिन मैं जो रेसिपी बना रही थी उसकी वीडियो मैंने शूट कर ली थी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो आप लोग भी चाहे तो इन दोनों चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बनाई है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने जो मैदा गूंद के रखा था ना तैयार होने के बाद, बहुत कम टाइम था और सब आने भी लगे थे, तब भी मैंने सोचा फटाफट थोड़ी सी पापड़ी बना लेती हूँ क्योंकि मीठी चटनी और कचालू और पापड़ी का कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता किसी को अच्छी लगती है कि नहीं, पर मुझे बहुत अच्छी लगती थी इसलिए मैंने बना लिया था। तो जल्दबाजी में बनाई थी तो कुछ तो अच्छी बनी बिल्कुल खस्ता, और कुछ हमने तेज़ आंच पे निकाल दी थी तो वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी। और मेरी फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं सब आ गई हैं, तो जब सबके आने के बाद तो वैसे भी मन नहीं लगता ना काम में, फिर तो गप्पों में ही मन लगता है। तो सब लोग किचन में ही थे क्योंकि मैं अभी पापड़ी बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी पापड़ी निकाल दी थी। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से इंजॉय किया, सबने खूब मज़े से खाया और सबने तारीफ़ भी की कि बहुत अच्छा बना है, बस थोड़ी सी पापड़ी सॉफ्ट हो गई थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।